नमस्कार दर्शकवृन्द र वेलकम टु एचजी न्युज। र अहिले हामी तपाईँलाई एचजी न्युजमा सिधा प्रसारण गरेर आएको छु र यहाँनिर सिलगढीमा अहिले हामी छौँ र सिलगढीको यस क्षेत्रमा जुन यो अहिले आइसकेको छौँ र सेफ एक्सप्रेस जुन कम्पनी छ यो कम्पनीको सिलगढीमा एउटा ठुलो एउटा वेयर हाउसको आज ओपनिङ भइसकेको छ र हामीसँग यहाँ सेफ एक्सप्रेसको एमडी हुनुहुन्छ र हामी तपाईँहरू समक्ष यस आजको जुन इनागुरेसन कार्यक्रम छ यो विषयमा जानकारी गराउनु छ। आउनुहोस् तपाईँलाई सिधा लिएर जाँदैछ एचजी न्युजमा। र दर्शकों आप देख रहे हैं आपका शुभ आपका वेलकम एजी न्यूज में। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद। रूबल जैन। रूबल जी आप एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ एक्सप्रेस। आपको एजी न्यूज में स्वागत है। और जो आज यहाँ पे सेफ एक्सप्रेस का वेयर हाउस लॉन्च हो रहा है इसके बारे में थोड़ा एजी न्यूज को दर्शकों को जानकारी करा दीजिए। धन्यवाद जी। हाँ, ये एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है जहाँ पे हम ट्रक्स आएंगे, सामान उतारेंगे, नए ट्रक में लदेगा, पूरे इंडिया में जाएगा। ये सिलीगुड़ी में एक ये 2,25,000 फुट का एक ये नया वेयरहाउस हमने बनाया है। मेनली कि एक नॉर्थ बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक गेटवे है। सारा ट्रैफिक इधर से जाता है और यहाँ पे अब इकोनॉमी चेंज हो रही है, नई इंडस्ट्री लग रही हैं, यहाँ का यूथ, यहाँ के फैमिलीज़ ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल, पूरा वर्ल्ड का मटेरियल अब यहाँ पे अवेलेबल है। पहले कुछ मिलता था, अब सब कुछ आता है, सारे ब्रांड आ चुके हैं इस एरिया में। तो उसके डिलीवरी उनकी फैक्ट्री से या उनके इंपोर्ट पॉइंट से उनकी दुकानों तक पहुँचाने का काम हमारा है, वो करते हैं, वो इस वेयर हाउस के थ्रू हम सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री लग रही हैं GST के बाद, अब उनको पूरे इंडिया का एक्सेस हो गया मार्केट का, वो अपना सामान कहीं भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, चाहे वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, चाहे वो लार्ज फार्मास्यूटिकल प्लांट लगे हैं, उनको अपना कुछ भी मटेरियल यहाँ से किसी भी दुकान में किसी भी जगह इंडिया में भेजना हो तो वो उसके लिए ये नेटवर्क हमारा सेफ एक्सप्रेस का बना है। तो उस पर सिलीगुड़ी को अब हमने देखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, यहाँ फ्यूचर बहुत है, यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत बढ़ेगा। और उसके लिए उसके तैयारी में 10 साल 15 साल का फ्यूचर देखते हुए ये वेयरहाउस आज हमने लॉन्च करा जी। और ये सेफ एक्सप्रेस एक्चुअली सिलीगुड़ी फर्स्ट टाइम तो नहीं, आगे से मार्केट चल रहा था सिलीगुड़ी में। सेफ एक्सप्रेस जिस दिन खुली थी 1997 में, शायद जब उस समय हमने 11 ब्रांच खोली थी तो 12वीं सिलीगुड़ी थी उसके बाद। और सिलीगुड़ी में हम शुरू से हैं एंड ये बिकॉज जैसा मैंने कहा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, नॉर्थ बंगाल का गेटवे है। अभी तक छोटे वेयर हाउसेज में थे, अभी तक लोकल स्टाइल से हमारा जो काम होता था, अब हम सेफ एक्सप्रेस का जो एक हमारा प्रोसेस है, स्टैंडर्ड है, उस पर हमने इन्वेस्ट करके यहाँ पे ये सेटअप करा है जी। और ये जो सेफ एक्सप्रेस का वेयर हाउस आपका नॉर्थ बंगाल के लिए मेन फोकस करके आप लोगों ने किया, इसे हिल्स रीजन के लिए भी यहाँ से आप लोग का मतलब वहाँ पर सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग उसके लिए भी आप लोग ने ये मेनली, क्योंकि एज आई सेड बाय नॉर्थ बंगाल आई ऑल्सो मीन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, थोड़ा सा ये वाला लोकल एरिया बिनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, पूरा सिक्किम, गैंगटॉक, रंगपो, इन सब लोकेशन के लिए यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी पूरे इंडिया की रहेगी। तो दार्जिलिंग में अगर कोई मटेरियल चाहिए आपको मंगाना है बॉम्बे से, तो वो बॉम्बे से ट्रक सीधा सिलीगुड़ी आएगा, सिलीगुड़ी से एक ट्रक दार्जिलिंग में ले जाके आपके पास डिलीवरी कर देगा। मतलब नेक्स्ट टाइम से हम लोग को पब्लिक को, कंज्यूमर को, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का झमेला कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी इच्छा है, हमारा कोशिश है शुरू से, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद और कम टेंशन होनी चाहिए। एंड जो दार्जिलिंग है, जो कालिम्पोंग है, वहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं, नाम है सेफ एक्सप्रेस, इसमें कंज्यूमर का मटेरियल्स फुल सेफ, गारंटेड सेफ, एकदम सेफ, एकदम गारंटीड। ये सेफ एक्सप्रेस का गारंटी रहता है कि कुछ भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस ना करें। और इस तरह के सेटअप में थोड़ा सा लगता भी है कि सेफ क्यों रहेगा, वो ट्रक के ही हाइट पे है, सीधा उतरता है, ऊपर नीचे तोड़ना नहीं होता, पैलेट पे मटेरियल रहता है, दिखता रहता है, तो कोई चोरी चकारी कुछ नहीं होती इस तरह के सेटअप में। वो इसको दिमाग में रखते हुए तभी नाम सेफ एक्सप्रेस है, सेफ है और एक्सप्रेस है, फटाफट पहुंचता है, ये दो चीज़ों का हमारा पुश रहता सेंटर है। से भूटान और नेपाल तक भी इसका रहेगा? नहीं, हम सेफ एक्सप्रेस केवल इंडिया में काम करता है, ये हमने एक फोकस रखा हुआ है।
कि हम इंडिया के लिए हैं, इंडिया हमारे लिए है, हम इंडिया बाद में फ्यूचर में अगर आप चाहे अभी अभी 5 साल का तो कोई थॉट नहीं है, उसके आगे तो फ्यूचर किसको पता, बट अभी सिलगुड़ी से तो नियरेस्ट में नेपाल 25 साल हो गए हम इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं, अभी भी इंडिया में ही फोकस करने का मन है। सिर्फ एक्सेस इंडिया का है ना कंपनी? इंडिया का है जी, इंडिया का है। और हमारा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा बेस भी कलकत्ता से है जुड़ा हुआ। हाँ जी, और आपको मतलब यहाँ सिलगढ़ी में आज इतना बड़ा वेयर हाउस आप लोग ने लॉन्च किया, इसमें हम लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना भी है एजी न्यूज़ से, और आपका ये मनोकामना पूरा हो। और आप आज इतना बड़ा वेयर हाउस सिलगढ़ी में ओपनिंग करके लॉन्चिंग कर रहे हैं, आपका आज क्या लग रहा है? हम लोग का सिलगढ़ी पहाड़ जितना भी दार्जिलिंग कालिम्पोंग सिक्किम में जितना भी कस्टमर्स देख रहे हैं अभी एजी न्यूज़, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? केवल ये कि धन्यवाद और थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाया यहाँ इस एरिया में पहले, मेरी मदर इसी एरिया में रहती थी तो वो बहुत बार आई हैं, वो वापस हम आ नहीं सके, मेरे फादर भी बहुत आए हुए हैं, बट अब मैं आऊँगा, अब बिज़नेस का नाम लेके आ जाऊँगा टूरिज़्म करने। बट मैं जैसे भी ड्राइव कर रहा था और प्लेन से भी जब आ रहा था तो इतना सुंदर, इतना ब्यूटिफुल, द माउंटेन्स, द ग्रीनरी, इसके लिए तो अब बार बार आना ही पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर आपने हमें बुलाया यहाँ, और आई लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग ऑल ऑफ दिस एरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग भी जाएंगे? हाँ, वहीं तो जाना है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉकिंग एजी न्यूज। दर्शक बिन्दर, यहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एमडी सेफ एक्सप्रेसका, र जसरी उहाँले सेफ एक्सप्रेस यहाँ सिलगढीको यस क्षेत्रमा लन्चिङ गरेको छ, गैँडा मोड क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ यो, र यो अहिले यहाँनिर आज विधिवत यसको उद्घाटन भएको छ, र यसले भविष्यमा पहाड, तराई, सिक्किमका, दार्जिलिङ, कालिम्पोङका क्षेत्रहरूमा पनि यहाँबाट सेवा गर्ने एमडीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। र अहिले हामीलाई तपाईँलाई एजी न्युजमा सिधा प्रसारण गरिरहेको थियौँ गैँडा मोड क्षेत्रबाट, र यो सेफ एक्सप्रेस वेयर हाउसको इनागुरेसन कार्यक्रम एजी न्युजमा लाइभ, र हेर्दै गर्नुहोला एजी न्युजलाई, तपाईँले लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला। र यसरी नै हामी तपाईँहरू समक्षमा सिलगढी, दार्जिलिङ, पहाड, तराई अनि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सदैव लाइक, सेयर, विविध कार्यक्रमहरू, राजनीतिक, सामाजिक अनि विविध ससाना खबरहरू लिएर सदैव हामी उपस्थित भएर रहनेछौँ। र तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्, र मेरो सहयोगी दाई दिवाकर प्रधान अनि म एजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द।